जनाब पहुंच गए हैं मरी। मौसम जो है धूप के अंदर तो बड़ा मज़ेदार प्लेजेंट सा है, और जब छाँव में जाए ना वहाँ पे थोड़ी सी सर्दी लगती है। बर्फ़ जो है वो उन जगह में पड़ी हुई है जहाँ पे धूप शूप नहीं नॉर्मली लग रही, उन जगह में बर्फ़ है, जहाँ पे धूप लगती वहाँ से निकल चुकी है। बाकी एक्सपेक्टेड है कल स्नोफॉल होगा दोबारा, लेट्स सी। हमारा नाइट स्टे का तो प्लान नहीं है, हम बस खाना खाएंगे और थोड़ी देर बाद चलेंगे बस। ये जो पॉकेट्स हैं शेडो वाली वहाँ पे स्नो है, लेकिन जैसे ही आप छाँव में जाएं ना तो फौरन आपको पता चल जाता है कि सर्दी काफ़ी है, हवा ठंडी है। अभी माल पे जा रहे हैं तो फिर बाकी फिर वहाँ से देख रहे हैं। ले जी हम मरी पहुँच गए हैं माल रोड पे, और अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी ज़्यादा रश है, मे बी बिकॉज ऑफ द वीकेंड एंड सेकेंड डे ऑफ क्रिसमस और सब कुछ इकट्ठा हो गया है, और लॉन्ग लॉन्ग वीकेंड है तो लाहौर और दूसरे शहरों से भी लोग आए होंगे। मौसम क्लियर है और लेकिन हवा काफ़ी ठंडी है। रास्ते में बाइक्स पर भी कुछ लोग नज़र आए हमें आते हुए, तो वही लॉन्ग लॉन्ग वीकेंड की वजह से लोग इन्जॉय कर रहे हैं। जनाब तो माल रोड काफ़ी रश है, आप देख सकते हैं कि दूर दूर तो रश ही रश है। फुल टाइम रश है। बाकी जो यहाँ पे KFC मेरे नज़र अभी नहीं पड़ सकी। हाँ KFC में डाइन इन नहीं है, ये सुबह बाहर खड़े होकर लोग खा रहे हैं, और फ्राई चिक्स के ऊपर डाइन इन चल रहा है। तो हमने टेक अवे को प्रेफर किया है, डाइन इन वाली ऑप्शन हमने यूज़ नहीं की। KFC पे आप चाय भी पिए जी, कार्डमन टी कॉफ़ी ऑर्डर देके लोग बाहर ही आके खा रहे हैं। फ्राई चिक्स के ऊपर अंदर खाने वाला निज़ाम चल रहा है। बाकी झीका गली से लेके कुलडन्ना वाले चौक तक बहुत रश था, क्योंकि लोग रास्ते में रुके हुए थे, बर्फ शर्फ से खेल रहे थे, तो उस वजह से काफ़ी ट्रैफिक फंसी हुई थी। उसके अलावा कोई ख़ास रश नहीं था पूरा रास्ता, और सनी बैंक के पेरी भी थोड़ा सा रश मिला था। माल रोड आपके सामने है, तो आप भी अगर मरी निकले हैं तो बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।